नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मालीमत ने पदभार ग्रहण किया है। इस दौरान हाई कोर्ट के सभी जज मौजूद रहे। मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मालीमत ने कहा कि इस हाई कोर्ट की गरिमा में परंपरा से जुड़कर अभिभूत हूं। भरोसा दिलाता हूं कि जो जिम्मेदार प्रदान की गई है उसी कसौटी पर खड़ा उतरने की कोई कसर शेष नहीं छोड़ूंगा। इस दौरान जबलपुर, इंदौर व ग्वालियर के सभी न्यायाधीश वर्चुअल तरीके से जुड़े थे। इसके अलावा बार काउंसिल से अध्यक्ष रमन पटेल समेत सभी सदस्य मौजूद रहे। पदभार ग्रहण कार्यक्रम में एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह भी मौजूद थे। कार्यक्रम में हाईकोर्ट में कई अधिवक्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान चीफ जस्टिस ने अपने उद्बोधन में कहा कि उनकी कोशिश होगी वो हाईकोर्ट की भलाई के लिए जो भी संभव हो प्रयास करेंगे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। Registry, Director and Officers of the State Judicial Academy, Officers of the State Legal Service Authority, Members of the Print and Electronic Media, the Spouses of the Learned Judges, Ladies and Gentlemen, I would like to begin by thanking. आज मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष की हैसियत से मुझे मुख्य न्यायाधिपति जो अभी आरबी मणि मलिमथ जरा टिपिकल सरनेम है हमारे यहाँ नए ज्वाइन किए हैं क्योंकि रफीक मोहम्मद साहब जो हैं वो यहाँ से हिमाचल चले गए। आज उनके स्वागत की बेला के दौरान वहाँ अधिवक्ताओं के बीच सारे हाल में विशेषकर हमने इस बात पर जोर दिया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का क्या विखंडन की स्थिति पैदा हो रही। उसकी वजह यह है कि आज से 8 दिन पहले हमारे रजिस्ट्रार मिस्टर वाणी ने इस बात की अखबारों में घोषणा की कि मुख्य पीठ के नाम से जबलपुर को स्ट्रक डाउन किया जाता है। उन्हें आज बताया गया मेरे द्वारा आदरणीय वाणी साहब चीफ जस्टिस साहब तो नए नए आए हैं उनसे तो उम्मीद हम तब करेंगे जब कुछ वक्त गुजर जाएगा। जैसा कि बुजुर्गों का कहना है कि अश्व जाने कसे और आदमी जाने बसे वक्त के साथ उनके लिए अच्छा या बुरा मसला बनेगा। लेकिन सेठ गोविंद दास जी ने राजा गोकुल दास जी के खानदान और राजा गोकुल दास जी वो खानदान हैं जिसने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ ही नहीं बल्कि पूरे उच्च न्यायालय की अपनी पुरानी जो इमारत थी दान की थी और इन शर्तों के साथ कि भोपाल के नवाब साहब ने चूकी अपनी है। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।